तो फ्रेंड जब आप वहाँ पे कॉल करने जाते हैं और कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे लिस्ट में क्लिक करते हैं तो क्या वहाँ पे आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट वहाँ पे शो नहीं करता, यानी कि गूगल का कोई कॉन्टैक्ट वहाँ पे मिसिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको परफॉर्म करने हैं 4 स्टेप और उसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टेप में हम चलते हैं यहाँ पर अपना जो यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर है इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है और उसमें आपको गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे देखेंगे यहाँ पे पहला जो आपके सामने दिख जाएगा कॉन्टैक्ट्स इन गूगल, इस पर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर एक बार आप वेरीफाई हो लेंगे कि आपके सारे कॉन्टैक्ट जो कि आपके कॉन्टैक्ट में सारे वहाँ पे हैं या नहीं है। अगर वहाँ पे आपके नहीं है, हो सकता है आपके कभी कभी किसी वजह से वो मिसिंग हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो गियर आइकन है आपको यहाँ पे टैप कर देना है और यहाँ पर अंडो चेंजेस वाले पे टैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट 30 डेज के जो कॉन्टैक्ट्स आपके होते हैं वो यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं 10 मिनट्स 1 आवर यस्टरडे, इस टाइप से यहाँ पे कुछ दी हुई सेटिंग कस्टम पे जा करके आप डे वाइज वहाँ पर जाकर के उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे तो सारे कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है, मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स चलते हैं अपने यहाँ पर ऊपर स्वैप कर लेते हैं और सेटिंग गियर आइकन जिस पर टैप कर देता हूँ मैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जाना है एप्स में और एप्स के अंदर यहाँ पे जाना है एप्स मैनेजमेंट के अंदर और आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंड्स गूगल। आप देखिए तीसरे नंबर पे आ गई है, गूगल पे टैप कर देता हूँ और उसके अंदर फ्रेंड्स इसकी जो परमिशन यहाँ पर जो एक सेटिंग होती है इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे 1 2 3 4 पे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स पे टैप कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अलाउ पे यहाँ पे होना चाहिए, डोंट अलाउ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये डोंट अलाउ पे होगा तो आपका वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टैक्ट की वहाँ परमिशन नहीं मिलेगी तो भी वहाँ पर वो आपका नहीं दिखाएगा, तो इसको हमेशा अलाउ रखना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड स्टेप में हम चलते हैं यहाँ पर दोबारा से, यहाँ पर हमें सेटिंग में जाते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर एक आपका आता है यूजर एंड अकाउंट्स, इस पर आप टैप कर दीजिए। आप देखें बहुत सारे अकाउंट्स आपके शो करेगा, इसमें आपको गूगल्स वाला जो अकाउंट है उस पर टैप कर देना है और यहाँ पर आपके जितने भी गूगल अकाउंट होंगे सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। इसमें फ्रेंड्स वो अकाउंट्स आपको चूज करना है जिसको आपको अकाउंट्स वहाँ पे लेकर के आने हैं, तो उस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर वो जो कॉन्टैक्ट्स वाला जो ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज वाला उस पर यहाँ पे वो वहाँ पर सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो ऑलरेडी सिंक्रोनाइज में दोबारा टैप कर देता हूँ, तो अभी देखिए सिंकिंग नाउ पे है और ये सिंक्रोनाइज हो गया है। आप यहाँ पर जाकर के सारी सेटिंग भी सिंक्रोनाइज नाउ पे कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपका नहीं होता तो आप उस पर्टिकुलर अकाउंट्स को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट्स कर सकते हैं और बैक जाकर के यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट्स, उस अकाउंट्स को उस गूगल अकाउंट्स को दोबारा से यहाँ पर आप ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपके वहाँ पर गूगल्स के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम फोर्थ अपनी सेटिंग पे, यानी कि जो लास्ट सेटिंग है उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गूगल जो कॉन्टैक्ट्स है उस पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट का जो एप्स है उस पर आपको टैप कर देना है और टैप करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर की 3 लाइन्स है उन पर टैप करना है। यहाँ पर आपका जो है ऑल अकाउंट्स पे यहाँ पर टैप होना चाहिए बिकॉज तभी वहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स के कॉन्टैक्ट्स आएंगे, तो अभी मेरा ऑल अकाउंट्स पे है। और दूसरा फ्रेंड नीचे साइड में जाएंगे तो आपको फिक्स एंड मैनेज का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट्स और अकाउंट्स के अंदर फिर से वही अकाउंट्स मेरे यहाँ पे शो करेगा जो कि जिनके कॉन्टैक्ट यहाँ पर जो है फेच किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि गूगल्स के मेरे को कॉन्टैक्ट लिखे हैं तो गूगल पे टैप कर देता हूँ, सेम वही सेटिंग है, उस अकाउंट्स पे जाना है और वहाँ पे जाकर के कॉन्टैक्ट को सिंक्रोनाइज एक बार दोबारा से कर देना है, ऑन कर देना है उसको जो सिंक्रोनाइजेशन होता है और यहाँ पर जाकर सिंक नाउ पे एक बार पे टैप कर देना है, तो सारी चीज़ें जो भी रहेंगी सिंक यहाँ पे हो जाएंगी। अगर वो अकाउंट्स आपका यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पर आप ऐड अकाउंट्स पे टैप करके दोबारा से अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके सारे के सारे गूगल के जो अकाउंट्स हैं, जीमेल के अकाउंट्स हैं, सारे के सारे आपके यहाँ कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपके कोई कॉन्टैक्ट वहाँ पर नहीं आते हैं तो आप मेरे को वहाँ पर कमेंट्स कर दीजिए, मैं कोई सॉल्यूशन और होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और ऐसी वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।